let the beat sing. हेलो गाइस, ओम नमः शिवाय। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज जैसे कि मैं बोला था, बैक टू बैक ब्लॉग आएगा और आज हम जा रहे हैं रामरेखा धाम। राम जी, जहाँ पे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों थे, वहीं जा रहे हैं। तो चलते हैं, ये जल्दी निकलते हैं, काफ़ी वरना लेट हो जाएगा। सूरज चढ़ चुका है, देख सकते हैं, और लेट ना हो, जल्दी चलते हैं। और ये जो पीछे देख रहे हैं, ये हमारा कुआं है, यहाँ बैठा हूँ और बस निकलते हैं, वक्त हो गया। और ये फैमिली ट्रिप है तो फैमिली वालों के साथ जा रहा हूँ, ज़्यादा मस्ती नहीं हो पाएगा, पर मस्ती तो होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और चलते हैं फटाफट। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। तो फाइनली गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं रामरेखा श्री। और इसका खासियत ये है, जब सतयुग था तो यहाँ पे भगवान श्री राम और माता सीता और उनके भाई लक्ष्मण जी यहाँ पे आए थे, यही रहे थे। और यहीं से जो रावण था वो उठा ले गया था सीता माता को, और वहीं से शुरुआत हुआ उसका अंत के लिए। काफ़ी कुछ अच्छा जगह है, मुझे भी पता नहीं, कोशिश करता हूँ सब कुछ दिखाने का, पर कुछ भूल चुक हो सकता है गाइस, क्योंकि मुझे भी पता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और गाइड करने के लिए कोई है तो नहीं। कोशिश करते हैं, दिखा देता हूँ एक बार यहाँ का नज़ारा। धनुष मारले श्री राम जी, तो पानी फुटला सीता पे गलवार लागी। एटा हले धनुष चिन्हटा ना, ये चिन्हटा एटा, एटा तो लटा धनुष चिन्ह पानी जते दूर एने सीढ़ी लगे देले बेले एंती दिस होला ना, एटा सीढ़ी देला जगहटा एंती थीला पूरा धनुष चिन्ह एंती पर रोसी थाय पर ये थाय बांसो धनुष चिन्ह एटा सीढ़ी लगेले बहुत तले जा सीढ़ी लगे छन और जाली भी दे जे भीतर पूरा पत्ता लु बाहर जाई छे एटा पूरा भीतरे जे पोसला माने गोला भीतरे पताल दुबारी छे तो जैसे कि हमारे संवाददाता श्री श्री लक्ष्मी बड़ाई, उन्होंने बताए हैं कि यहाँ पे पाताल गंगा है, पताल गंगा है, पाताल गंगा माँ सीता नहाती थी इसमें, माँ सीता इसी में नहाती थी। तो आज का मुख्य समाचार इतने में समाप्त करते हैं। नीचे में राम लक्ष्मण के कैमरामैन शिवनाथ के साथ, नीचे में राम लक्ष्मण कुंड के नारे छे, एक ही तो छे दो भाई का, नीचे में राम लक्ष्मण कुंड भी है, दिखाते हैं एटा भी, एक ही तो तले छे राम लक्ष्मण कुंड। तो और ये है गाइस, ये है, इसे कहते हैं लक्ष्मण कुंड। इसमें श्री राम और उनके भैया लक्ष्मण जी दोनों नहा देते हैं, इसे कहते हैं लक्ष्मण कुंड। वहाँ यहाँ ये ऊपर माँ सीता का कुंड और यहाँ पे लक्ष्मण कुंड, और वो तो बस बागीचा है, और बाकी ये खूबसूरत सा नज़ारा जो कहीं नहीं मिलेगा गाइस, अगर मौसम बारिश बरसात की होती तो, क्योंकि नज़ारा ही कुछ और होता। और यहाँ पे है श्री, ये बजरंग बली का गद्दा, और ये शिवलिंग, और ये है जहाँ पे गुफा, अभी तो गुफा के आगे मंदिर बन चुका है तो वो तो नहीं दिख पाएगा। फिर ये बरगद, मैं पूरा एक राउंड दिखा देता हूँ, और वो उस तरफ से आने का रास्ता गेट है,
और ये पहाड़ चट्टान, एक ही चट्टान है गाइस, बहुत ही बड़ा चट्टान, और चट्टान के नीचे है ये गुफा। और कभी भी आए यहाँ पे, इस पर्वत के नीचे यहाँ पे है ये गुप्त गंगा। इसकी मान्यता ये है कि यहाँ जो मैंने जो कोई भी होता है बुरा प्रवृत्ति का, या कह सकते हैं कि बुरा इंसान, वो ये गंगा छू नहीं सकता है, और जिस छूने के लिए हाथ डालता है तो गंगा नीचे चल जाता है। तो ये है गाइस मंदिर, यहाँ ठीक पीछे मंदिर है भगवान श्री राम का, और यही वो गुफा है जिसमें भगवान श्री राम, माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ रहते थे। काफ़ी खूबसूरत सा है, यहाँ शांति है, और ये पत्थर चट्टान, बहुत ही बड़ा चट्टान है पत्थर, और वहाँ बहती गंगा जैसे कि देखें। उसकी मान्यता ये है कि पापी वो गंगा छू नहीं सकता, गुप्त गंगा, तो है कुछ वैसा। और मेरा कैमरा ज़रा हीट हो जा रहा है गर्मी की वजह से, क्या पता कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, वीडियो कुछ अच्छा वीडियो में नहीं दिखा पाया, तो फिर भी बहुत ही कुछ है। कभी आइए श्री रामरेखा, बहुत ही खूबसूरत जगह, सुकून शांति, और सतयुग से जुड़ा हुआ है ये धाम, तो उसका मजा ही कुछ और है। आजकल तो ये कलयुग है, तो फिर सतयुग की धामों को देखने का, महसूस करने का अपना ही एक अलग ही, क्या कहते हैं वो, तनम उसे महसूस करने का अलग ही खुशी है। तो यहाँ बस इतना ही है, और बढ़ते हैं आगे। जय श्री राम। ये है गुफा मंदिर रामरेखा का गुफा, जहाँ पे भगवान श्री राम, माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ रहते थे। और वो जो दरवाज़ा सीधा में है वो मंदिर परिसर का है, वहाँ सब भक्त लोग रहते हैं, यह मंदिर को साफ सफाई करते हैं, मंदिर का ख्याल रखने वाले, मंदिर परिसर का है वो। और इस तरफ और भी है, भगवान शिव जी का है, और यहाँ पे ये हमारे शनि महाराज, माँ तुलसी, और ये विष्णु स्तंभ जो आजकल काफ़ी बड़ा मुद्दा बन चुका है, और ये श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त श्री बजरंगबली का मंदिर। अभी प्रसाद का वक्त है, तो प्रसाद के लिए मंदिर बंद कर दिए, जब हम लोग दर्शन के लिए गए थे तो मंदिर खुला था, पर मेरा कैमरा हिट हो जाने की वजह से मैं शूट नहीं कर पाया। जो है यही है गाइस, और भी कुछ आगे है दिखाता हूँ। और यहाँ पे माता सीता बनाती थी अपना खाना। Thank you.